गुड मॉर्निंग बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से आपका स्कूल बंद हो गया था। और आप सबको पता है क्यों बंद हुआ था, क्योंकि बहुत ही एक महामारी फैली हुई है कोरोना, जिससे हम सबको पहले खुद को बचाना है। और कैसे बचाना है, जब आपसे मैम मिली थी तब भी मैम ने बताया था, बार बार हाथ धोने हैं, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रह के बात करनी है, और हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, हर चीज़ का साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, और सड़कों पे बिना किसी काम के किसी भी हालत में आपको नहीं निकलना है बाहर। लेकिन अब क्या करें भाई, पढ़ाई तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम सब ने मिल के, सभी शिक्षकों ने और सरकार ने, सब ने ये सोचा कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो हम शिक्षक ही उनके घर चले जाते हैं और हम उनको फ़ोन के थ्रू पढ़ाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हम सभी शुरू करेंगे। आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, लेकिन आपके साल भर जो भी आपने पढ़ाई करी उसको आधार मानते हुए छठे के बच्चे को हमने सातवें में हमने उत्तीर्ण माना, सातवें तक वो पहुंच गए और सातवें वाले बच्चे आठवें में पहुंच चुके हैं। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं छठे के और सातवें के और आठवें के, उनको हम उनकी किताब के पाठों से हम लोग पढ़ाई शुरू करवाएंगे। तो आज UPS भानपुर में जो नए बच्चे आए हैं छठे के, उनके लिए पाठ है, सबसे पहला इंग्लिश की बुक का उनका लर्निंग टुगेदर, और हमने उसी के ऊपर अपनी ये पूरी कविता आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप इसको देखिएगा और आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से उस कविता को समझा देगा। हमारी कविता का नाम है लर्निंग टुगेदर। आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम। We make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. इस कविता में हमने उन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जब हम छठी क्लास में आते हैं ना, क्लास 5 को, पांचवी कक्षा को पास करके हम छठी क्लास में आते हैं, तो हमारे मन में क्या भावनाएं आती हैं, हमें कितना मज़ा आता है कि अब हम थोड़े से बड़े हो गए, बड़े बच्चों के स्कूल में जा रहे हैं और थोड़ा सा अब हम अपने को ज़्यादा ज़िम्मेदार महसूस करते हैं। तो हमने ये सब बातें मन में रख करके जब ये पाठ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी कक्षा एक पूरी टीम की तरह है, जैसे टीम में सब लोग मिलके खेलते हैं वैसे ही ये पूरी कक्षा एक टीम की तरह है, और यहाँ सब समूह में टीम बना करके खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं। हम अपने टीचर्स को प्रसन्न रखते हैं, खुश करते हैं, और रोज़ वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। वर्क हार्ड का मतलब है मेहनत करते हैं, बिजी डे मतलब हमारे दिन बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है जैसे ही हम पाँचवें को छोड़ के छठे में आते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे यानी हम रोज़ खूब व्यस्त रहकर मेहनत करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और तभी जब हम बीच में खूब थक पढ़ पढ़ के भी थक जाते हैं तो अपने स्कूल के मैदान में हम खेलने जाते हैं। यार्ड का मतलब होता है मैदान, खेलने की जगह, या कभी कभी हम यार्ड के लिए कोई भी खुले स्थान को भी हम यार्ड कह सकते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ है मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। इस पार्ट में, इस पार्ट के इस पैराग्राफ में हम लोग जो नई चीज़ें हम छठे में सीखने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से आती हैं और कुछ चीज़ें जो पहले से आती हैं उनमें थोड़े से और कठिन चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज फन, अगर आप उसको खुश रह करके और प्रसन्न मन से करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। गुणा करना आपने सीखा है, दो को दो से गुणा किया तो चार हो गया, एक इकाई वाले गुणा सीखा, दहाई वाला सीखा, वैसे ही छठे में हम और कठिन गुणे के सम हम लोग गुणे के सवाल सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज फन। 9 times 9 is 81। जैसे आपने सीखा ना, 9 × 9 बराबर होता है 81, वही चीज़ इंग्लिश में बोली जा रही है, 9 times 9 is 81। लर्न द मैथ्स फैक्ट्स 1 through 10, और हम जितने भी गणित की थ्योरी है, जितने भी गणित के बारे में चीज़ें हैं जो हमको छठे में आनी चाहिए, वो हम सब इकाई से लेके दहाई तक सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस का अर्थ होता है बच्चों अभ्यास। आपको पता है ना, जैसे वो एक कहावत है, कड़त कड़त अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान।
मतलब बार बार जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हम सीख जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुएं की, जब आपने वो देखी घिरनी जिस पे हम रस्सी लगाते हैं पानी खींचने के लिए, तो बार बार रस्सी के चलने से उस घिरनी पे भी निशान पड़ जाता है जबकि वो पत्थर या लकड़ी की बनी होती है। उसी प्रकार हमारे दिमाग में जब हम किसी चीज़ की बार 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 प्रैक्टिस या अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ हम सीख जाएंगे। यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। छठे में आने के बाद आपको अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाने हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, AGAIN अगेन मतलब दोबारा। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, खेल खेलिए, गाने गाइए। प्ले अ गेम, प्ले मतलब खेलना, गेम मतलब कोई भी खेल। सिंग अ सॉन्ग, गाने भी गाते हैं स्कूल में हम लोग, सुबह असेंबली में गाते हैं, कभी कभी छुट्टी के समय भी हम लोग गाते हैं गाने आखिरी पीरियड में जब आप पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, और सारे साल हम ऐसे ही मस्ती से पढ़ाई करने वाले हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। आपके स्कूल में एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, खूब सारी किताबें हैं, हर सब्जेक्ट पे हर विषय पे आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे छठे में। और सुंदर सुंदर कविताएं हैं जो आप सीख रहे हैं। बुक्स टू रीड यानी किताबें पढ़ने के लिए, पोएम्स टू से यानी सुंदर कविताएं जिनको आप याद करेंगे, कंटेक्स्ट करेंगे, याद करके जितना ज़्यादा आप उसको अपने मन में उतारेंगे आप नई चीज़ें सीखेंगे। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे यानी रोज़ नई चीज़ें सीखना, लर्निंग मतलब सीखना। न्यू थिंग्स, न्यू मतलब नया, न्यू क्लॉथ, न्यू हाउस, न्यू कार, नया घर, नई गाड़ी। न्यू थिंग्स एवरी डे, एवरी मतलब रोज़, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, एवरी डे का मतलब होता है बच्चों प्रतिदिन। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्न रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग्स टू, सो मच टू लर्न मच टू डू। रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग्स यानी पढ़ना लिखना और साथ साथ आपको शब्दों की स्पेलिंग भी याद करनी है, वो शब्द किन शब्दों से मिलके बने हैं, तभी तो आप पढ़ना सीख पाएंगे। इतना कुछ याद करने के लिए है, इतना कुछ करने के लिए, लेकिन हमको ये याद रखना है कि पढ़ाई हमको मस्ती के साथ करनी है, उसको बोझ नहीं मानना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, अब क्या होता है आप जब पाँचवें में थे तो आपको अलग अलग पाँचवें तक साइंस नहीं पढ़नी पड़ती थी, विज्ञान की एक ही किताब थी जिसको आप हमारा परिवेश कहते थे। अभी आप जब छठे में आ गए तो आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है ना। विज्ञान में बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें भौतिकी भी है, रसायन भी है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अब छठे में आके पढ़नी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंसेस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, और हम ना कि खाली ये इतिहास भूगोल और विज्ञान पढ़ते हैं बल्कि हम महासागरों के बारे में भी पढ़ते हैं। आपको पता है ना दुनिया में बड़े बड़े समुद्र हैं जिनको हम महासागर कहते हैं, तो ये हमारा इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कितना कुछ है छठे में करने के लिए जो आपने अभी तक नहीं किया है, लेकिन हमें खुश रह के और अपनी पढ़ाई को अपनी मन की खुशी के साथ पढ़ना है। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, यानी हमें पूरे साल सतत परिश्रम करना है, लगातार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं करना है कि बस इम्तिहान के लिए हम बैठ गए और हमने कुछ सवाल याद कर लिए और कहा कि हमारा इम्तिहान तैयार हो गया। हमको पूरे साल पढ़ना है, और हमारे जो भी सहभागी जो साथी हैं जो हमारे साथ हमारे क्लास में पढ़ते हैं वो सब हमारे दोस्त हैं। वी आर क्लासमेट, क्लासमेट का मतलब होता है कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी। गुड फ्रेंड्स, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर प्राउड, हमें गर्व है, प्राउड मतलब गर्व, घमंड नहीं, घमंड तो दूसरी भावना है जिसमें बुरी भावना आती है। प्राउड का मतलब होता है गर्व, जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी हमारी उन्नति, हमारी प्रगति वी हैव मेड। जब साल खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि छठे में आके आपने कितना कुछ नया सीख लिया। बहुत सारे बच्चे हैं जब आते हैं तो उनको छठे में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होती, पर जब वो कक्षा ख़त्म करके सातवें में उत्तीर्ण होते हैं तो काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। आप अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं।
वी आर गेटिंग रेडी फॉर द सेवेंथ ग्रेड, और इस प्रकार हम सातवीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से मैं ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द सेवेंथ ग्रेड। यानी पूरे साल हमें लगातार परिश्रम करना है और हम सभी सहपाठी एक दूसरे के दोस्त हैं। हम बहुत गर्व महसूस करेंगे जब अंत में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीख लिया छठी क्लास में, क्योंकि हम सातवें क्लास की तैयारी कर रहे हैं। सिक्स्थ ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। यानी ये छठी कक्षा एक बहुत ही खास कक्षा है और आप देखिए कि आप किस तरीके से खुश होकर के इस कक्षा में आ रहे हैं। जितना ज़्यादा खुश होकर के आप आ रहे हैं, उतनी ही खुशी के साथ पूरे साल पढ़ाई करनी है और अगली कक्षा साथ के लिए आपको उत्तीर्ण होना है। तो बच्चों, ये पहला पार्ट था हमारा, पहला पार्ट लर्निंग टुगेदर कक्षा 6 की इंग्लिश की रेनबो बुक से। आप सब इसको समझिए और इसके बाद मैं इसके प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। आप उसको समझ करके अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू बच्चों।